स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो एस फ्रेंड्स माई नेम इज दिवाकर बोथरा वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सोशलॉजी इन टेन मिनट पेपर वन चैप्टर टू एपिसोड नंबर टेन एंड द टॉपिक अगर पिछले पांच साल में देखूं तो शायद ये इन दो चैप्टर्स फर्स्ट दो चैप्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत और इंपॉर्टेंट टॉपिक

कमिंग टू द नॉन पॉजिटिविस्ट मैथोलॉजी नॉन पॉजिटिविस्ट एक सेकेंड स्कूल के अंदर डेवलप होता है द फर्स्ट डॉमिनेटिंग स्कूल जो अब तक आपको अच्छी खासी समझ में आ गई होगी क्योंकि इतनी बार यूज किया है मैंने दैट इज पॉजिटिविज्म एडवोकेटेड सोशलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड बिकॉज ऑफ इट्सिफिक नेचर द वेरी पॉस्टुलेट्स ऑफ सोशलॉजी लार्जली रिफ्लेक्टेड द प्रिपल्स ऑफ साइंस एंड इट्स मैथोड सिर्फ फैक्ट पढ़ते थे वैल्यूज को इग्नोर करते थे इंडिविजुअल को कंप्लीटली एनगल्व अंडर द कंसाइंस ऑफ कलेक्टिविटी मानते थे रिफ्लेक्सिबिलिटी को रिकग्नाइज नहीं करते थे और मेथोलॉजी साइंटिफिक मानी जाती थी जिससे सोशोलॉजी पढ़ी जा सकती है या सोसाइटी को अंडरस्टैंड की जा सकती है नॉन पॉजिटिविस्ट में जब ये पॉजिटिविस्ट की मैथोलॉजी जब अप्लाई करने लगे सीरियस लेकिन सीरियस प्रॉब्लम आने लगी एंड एज अ रिजल्ट अ काउंटर थॉट स्टार्टेड डेवलपिंग वे विच is now seen in the writings of non-positivist mythologies. Non-positivist non mythologies are those mythologies which there are two strands present in it. Ek symbolic interactionist or Max Weber ka hai or ek pheno or Ethno ka hai. Fino or Ethno purely anti-positivist stand hai coming under non-positivism where they reject the postulates of positivism. But on the other hand, kuch schools of non-positivism just a symbolic interactionist or Max Weber, wo पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट नहीं करते हैं बट वो मानते हैं कि पॉजिटिविज्म इज नॉट सफिशिएंट सिंबॉलिक इंट्रैक्शन के स्कॉलर जैसे जी एच मीड जो है उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही डरखाइम से होता है उनके रिजेक्शन से नहीं होता है दिस इज वेयर ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डरखाइम व्हेन ही एडवोकेटेड दैट द सोसाइटी कम्स प्रियोर टू इंडिविजुअल्स बट इट इज नॉट द अल्टीमेटली द सोसाइटी विच डिटरमाइंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल तो नॉन पॉजिटिविज्म को पहले समझने के लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सपोज आपको आता है के अंदर, तो वहाँ पे और जाएंगे, आपको लिखना के है is concerned. थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इनको द फर्स्ट प्रिंसिपल जो सारे नॉन पॉजिटिविस्ट मानेंगे चाहे फिनोमिनोलॉजी हो एथनोमेथोलॉजी हो या सिंबॉलिक इंटरक्शनिस्ट हो या फॉर दैट मैटर मैक्स वेबर हो सब्जेक्टिव रियालिटी वेबर थोड़ा सा एक फेस है जहां पे पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म इक्वली डोमिनेटिंग है क्यों मैक्स वेबर ऑब्जेक्टिव रियलिटी मान के चलते पॉस्टुलेट ऑफ नॉन पॉजिटिविज्म फर्स्ट वन दे कंसिडर सब्जेक्टिव प्योर सेंस में रियलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं होती है रियलिटी मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है फिक्स्ड है रियालिटी रियालिटी के अंदर स्टेबिलिटी है इक्विबिलेरियम है कंसिस्टेंसी है ये बोलते हैं रियालिटी सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव क्यों है रियालिटी बिकॉज दे रेकग्नाइज द रिफ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट अमोंग इंडिविजुअल्स जब एक आदमी सोच समझ के अपने हितों के हिसाब से एक्शन जब लेता है तो कहीं ना कहीं द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स वुड वैरी नेचर ऑफ रियालिटीडर मेरा धर्म अलग हो सकता है उसी धर्म के अंदर मेरे बिलीव सिस्टम अलग हो सकते हैं जिसके कारण सेक्ट्स और कल्च बनते हैं सिंस इंडिविजुअलिटी रिमेन्सिव इन नेचर साथ ही साथ में द नॉन पॉजिटिव रिजेक्टेड ग्रेटर एक्सटेंट ओनली यूज ऑफ साइंटिफिक में वैल्यूज आती है इंडिविजुअल के मीनिंग उनकी सोच उनकी समझ उनके लॉजिक्स उनके कॉमन सेंस नॉलेज से एक आदमी एक्शन लेता है क्योंकि वैल्यूज आती है तो सिर्फ साइंटिफिक मेथड इज नॉट सफिशियंट देर फॉर दे एडवोकेटेड एंड वाउच फॉर मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म ये मानते थे कि मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेथड यूज करने पड़ेंगे कहीं पे ऑब्जर्वेशन स्किल के लिए साइंटिफिक मेथड यूज करना पड़ेगा और कहीं पे जब इन डेप्थ लैटेंट रियालिटी को एक्सप्लोर करना है तो यू वुड द मैथड्स ऑफ लिटरेचर एंड सोशलॉजिकलारे ओनली साइंटिफिक मेथड वॉज प्रोपिगेटेड बाई पॉजिटिविस्टवोकेटेड मेथोलॉजिकल प्लुरलिज्मीपल इंटरप्रटेटिव जैसे मेथड कपल्ड विद आइडियल टाइप कपल्ड विद साइंटिक ऑब्जर्वेशन द लास्ट पॉजिटिविस्ट एडवोकेटेड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है पॉजिटिविस्ट हर चीज हर बार ये मानते थे क्योंकि एक ही तरीके का रिएक्शन होने वाला है अगर इंडिया की सोसाइटी ले तो हर इंडियन इंडिया की के वैल्यूज के हिसाब से चलेगा तो ये वैल्यूज अगर हर किसी को इन्फ्लुएंस कर रही है हर कोई इस वैल्यूज में सोशलाइज है तो कहीं ना कहीं एक एक्शन सबका सेम होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रैफिक लाइट का का वायलेशन करता हूं वायलेशन करता हूं तो मुझे जो फाइन लगाया जाएगा वो शायद एक मिनिस्टर पर भी लगाया जाएगा या फिलहाल फॉर दैट मैटर किसी पर भी लगाया जाएगा एटलीस्ट थियोर्टिकल लेवल पे तो यही है तो लॉ सबको इक्वली रूल ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट तो वहां पे कॉज पता चल सकती है ये इतना फाइन इसलिए लगा क्योंकि तुमने ये किया द कॉज कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट इफ आई वायलेट द सिग्नल देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इट बट नॉन पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि भैया वैल्यूज इतनी है सोशलॉज सोसाइटी के अंदर कि कॉज कभी नहीं पता चलेगी को रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कर सकते हो सो फॉर एग्जाम्पल साइंस के अंदर अगर आप जाओ तो स्मोकिंग लीड्स टू डेथ बट सोशोलॉजी के अंदर क्या रिलीजियस रिवाइव सेक्ट और कल्ट रिवाइवलिज्म लेके आ रहे हैं या सेक्यूलराइजेशन लेके आ रहे हैं ये डिबेट है ब्रियान विल्सन की पीटर बोजर की ब्रूस वैलिस की कोई बोलता है सेक्ट और कल्ट सोसाइटी में आते हैं तो रिलीजन रिवाइव हो रही है स्ट्रॉन्ग हो रही है और वहीं पे पीटर बर्जे जैसे स्कॉलर बोलते हैं दीज आर द लास्ट आउटपोस्ट ऑफ रिलीजन खत्म होता हुआ इंडिकेशन है ये सेक्ट और कल्ट अपनी अपनी थियरीज या रिलीजन वाले चैप्टर में वादा है मेरा डेफिनेटली बताऊंगा तो कोरिलेशन है प्रिसाइज एग्जैक्ट इफेक्ट आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जो रिलीजन का एग्जाम्पल मैंने दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन से फैमिली ब्रेक होगी या फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी कह नहीं सकते हम तो सो, सोशल जो है यू कैन नॉट क्लियरली द रिएक्शन एज डिफरेंट पीपल में देयर डिफरेंट वैल्यूज सपोज आपका मूड बहुत अच्छा है और किसी ने अगर चलते फिरते कुछ ऐसी बात बोल दी जो बुरी लग गई तो यू जस्ट इग्नोर इट अरे छोड़ो यार वहीं पे आपका मूड अच्छा है खराब है और थोड़ी सी अगर

टेंट करने के लिए रिमेंबर सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट का क्वेश्चन आए तो मीड ई मीड नहीं लिखना है आपको सिंबॉलिक इंट्रेक्शनस्ट लिखना है क्योंकि सिंबॉलिक इंट्रेक्शन के अंदर सी एच कूले भी आते हैं जी एच मीड भी आते हैं और फॉर दैट मैटर ब्लूमर भी आते हैं ब्लूमर वॉज द पर्सन हु कॉइन द वर्ड सिंबॉलिक इंट्रेक्शनिस्ट इन दर नाइन थर्टी सेवन सो वेन यू आर आस्ट अबाउट इंट्रेक्शनस्ट राइट अबाउट इंट्रेक्शनिस्ट डोंट जस्ट ऑन जी एच मीड वेन यू आर आस्ट अबाउट मीड देन राइट अबाउट मीड डोंट जस्ट टॉक अबाउट सिंबॉलिक इंट्रेक्शनिस्ट अब सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट क्या बेसिस पे है अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा एक एस्पेक्ट देखते हैं पहले <coughs> अगर आप पॉजिटिविज्म देखोगे पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि किसी भी चीज का कॉज पता करना है कॉज इफेक्ट सेम चीज हम देखते हैं कि वो कॉजिस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते थे कॉज पढ़ने का गोल था वहां का गोल वाज टू स्टडी द कॉज सेम चीज मैक्स वेबर और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट भी करते हैं लेकिन ये बोलते हैं पॉजिटिविस्ट बोलते थे कि ये कॉज लाइज आउटसाइड द इंडिविजुअल इसके बाहर है इसका कॉज इसके एनवायरनमेंट इसकी सोसाइटी इसकी स्ट्रक्चर जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं सिंबॉलिक इंट्रेक्शनिस्ट बोलते हैं ऐसा नहीं होता है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट बोलते हैं कि सोशल एक्शन जो हो रहा है दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल नी गाय हेल रहे आ, ने मेलार खाड़ा बरता

कि हम जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो एक्शन कैसे होगा जब तक इंटरेक्शन <coughs> नहीं होगा एक्शन नहीं होगा दे एडवोकेट सोशल एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरक्शन लेकिन अब इस इंटरेक्शन के लिए मैंने जैसे कनाडा में बोला देर इज अ पॉसिबिलिटी शायद आपको नहीं समझ में आया इंटरेक्शन करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए जहां पे वो बोलते हैं सिग्निफिकेंट सिंबल एंड जनरलाइज सिंबल्स इन ऑर्डर टू एंश्योर दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस

सोशल एक्शन इज पॉसिबल बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड जेस्चर्स लैंग्वेज और जेस्चर्स जब तक आप कॉमनली समझते नहीं हो तब तक शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे एक दूसरे के एस्पेक्ट्स uh, एक दूसरे के डिमांड्स एंड द टाइम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आप शायद एक्शन को अंजाम ही नहीं दोगे बिकॉज जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगा एक्शन नहीं होगा इंट्रैक्शन इनके बगैर होता नहीं है तो अब ये बोलते हैं इंट्रैक्शन इन दोनों चीज़ों से हो रहा है लेकिन इस सिचुएशन ऑफ इंट्रैक्शन के अंदर इन दिस सिचुएशन ऑफ इंट्रैक्शन यू विल सी दैट द मीनिंग ऑफ दीज जेस्टर्स एंड लैंग्वेज डू नॉट रिमेन फिक्सड क्यों

वैरी करते हैं एज पर दिचुएशन ऑफ इंटरक्शन द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड दर्स प्रोवाइडेड इन दिसडेड बाई नॉट रिमेन द सेम इट कीउथ कोरिया चाइनाटिंग द नेशन स्टेट जहां पर जिम्मी जिम्मी आ जा आ जा एक हिंदू

उस वर्ड का मीनिंग कुछ और हो सकता है लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग क्योंकि फ्रेंडली इंट्रैक्शन में बोला गया इट्स वे डिफरेंट सो दिस पेन में नॉट बी ए पेन दिस पेन कैन बी अ मिसाइल इन क्लास अगर मैं इसको यूज करूं वहां पर यह मिसाइल बन सकता है पानी सिर्फ पीने की चीज नहीं है पानी इज ऑल्सो विथ लाइफ ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है जो आप अपने से कनेक्ट करके समझ सकते हो कि, कि मीनिंग कैसे चेंज होता जाता है ये सेम सिंबल इंडिया में अंगूठा दिखाना भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि बेस्ट ऑफ लक गुड लक और मे बी ऑल द बेस्ट सो द मीनिंग ऑफ द सोशल एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रक्शन इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड जेस्टर्स एंड दीज लैंग्वेज जेस्टर्स डज नॉट हैव एनी है मीनिंग एज द कीप्स ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रेक्शन टू इंट्रेक्शन दैर फोर What symbolic interactionist advocated? One has to understand the interactions in order to understand the social action. positivist, the cause of a social action lies outside the individual. The interactionist advocate the cause of a social action.

this has at least helped you to develop a basic clarity as far as the symbolic interactionist is concerned once i'm done with ethno and pheno as well as far as these 10 minute sessions are concerned my last session can summarize the three approach including their critical aspects including the difference between all the three approaches i hope you are study, at IQ. study iq is yari hui affordable.